हे आर-पार बनी, बुराई का वार हो चाहे बेकार, चले जाएं हम इस तस्वीर से बाहर। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा? मैं बाहर मानो और मोंटू पे भी मेरा जादू काम नहीं कर रहा था, हाँ, और अब यहाँ पे भी नहीं चल रहा है। लगता है बुराई के बिछाए हुए जाल में हम फंस गए। लेकिन चिंता मत करो बच्चों, मैं यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। सांप ऊपर ही नहीं आ रहा है। इन चूहों को तेरे सांप दिखेंगे ही नहीं तो ये चूहे भागेंगे कैसे? अरे उनको ऊपर लाने के लिए ही मैं बिल बजा रहा हूँ। देखो मुझको डिस्टर्ब मत करो, अगर मैं डिस्टर्ब हो गया तो मेरे सांप तो फिर सो जाएंगे। तो क्या नाचेंगे? बुरा बुरा मान जाएंगे। अगर ये बुरा मान गए तो कभी ऊपर नहीं आएंगे। नहीं नहीं ऐसा मत भैया, नहीं नहीं शांति रखो शांति रखो। हाँ बजाना। अरे अरे सांस सांस खुल रही है। अरे भाई तेरी सांस हमें चैन की सांस नहीं लेने देंगी, और जब तक ये चूहे यहाँ से भागेंगे नहीं हमारे सांस में सांस नहीं आएगी। वाह बाबूजी वाह, सांस गए आपको। अरे क्या मान गए आपको? मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करता हूँ देखा। क्या कर रहे हो? ठीक है बेटा देखो। बाबा बाबूजी सारे चूहे भाग गए। चले गए चले गए। मेहर करण मेरा हाथ पकड़ो, चलो। क्या हो रहा है? ना तो मेरा जादू चल रहा है और ना ही हम इस तस्वीर से बाहर जा पा रहे हैं। लगता है इन डायनों के बिछाए हुए जाल में हम बहुत बुरी तरह फंस गए, बहुत बुरी तरह। ये बालवीर महल को सब बाहर क्यों नहीं आ रहा है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ओए, तूने कितने बच्चों को खरगोश बनाया? अरे ये डाइनी यहाँ कैसे आ गई? इन्होंने देख लिया तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा।
मैंने पूरे 10 बच्चों, और तूने 10 बच्चों को? मैंने तो सिर्फ 4 ही बनाए। सिर्फ 4? हंस क्या रही है? ऐसे बन रही है जैसे तूने सबसे ज्यादा बनाए। अभी पता चल जाएगा किसने सबसे ज्यादा खरगोश बनाए हैं। सारी डायन यहीं आ रही है, देखेंगे। सब डायने यहाँ आ गई तो मैं बालवीर को अंदर सांस लेने के लिए हवा के गुब्बारे कैसे भेज पाऊंगी? अरे नाचने दो, बड़ी मुश्किल से खुशी का मौका मिला है, नाचने दो। अरे रुको, सुबह से हम चूहे से परेशान थे, अब तुम बीच में आके परेशान मत करो। अरे भाई रुको। आपको आपके पैसे जेना फिश जेना मिल जाएगी, लेकिन रुको जरा, हमको नाचने दो। अरे रुको। सांप कहाँ है? मुझे मेरे फीस नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिंके नागिन चाहिए। पिंकी? पिंकी? हाँ, मेरे पिंकी नागिन कहाँ है सांप? मौका देखे नागिन हो गई, कहीं भाग गई है। अरे आप चिंता मत करो अंकल, यही सही होगी, मिल जाएगी, जाएगी ना। अरे वो किधर भी जा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी का भी क्या रूप धारण कर सकती है। वो कोई मामूली नागी नहीं है, वो इच्छाधारी नागिन है। रानी परी, काल चित्र यंत्र का अब किसी बुरी शक्ति के हाथ में पड़ जाना बहुत ही खतरनाक घटना है, हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन इस काल चित्र यंत्र का कोई तोड़ तो होगा ना विज्ञान परी? है नाराज परी, स्वयं काल चित्र यंत्र। काल चित्र यंत्र का तोड़ असली काल चित्र यंत्र से ही निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विज्ञान परी। परियों, हमें जल्द से जल्द ये सूचना पृथ्वी लोक में परियों को देनी होगी। विचार परी, आप पृथ्वी लोक में जाइए और वहाँ परियों को इस सूचना दीजिए और उनसे कहिए कि वो जल्द से जल्द असली कालचित्र यंत्र को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि बिना कालचित्र यंत्र के हम इस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। जी रानी परी। बाल परी, भटकाती परी, हम अभी अभी पता करके आए, काकली डायन अपने कुछ डायन साथियों के साथ तस्वीर में प्रवेश करने की योजना बना रही है। क्या? ये तो बहुत ही अच्छी सूचना है। अच्छी सूचना है? वो कैसे बालपन? क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि बालवीर उस काफी डैम को तस्वीर के अंदर ही खत्म कर दे। हाँ बालपरी, तब तक हम यहाँ बाहर रहकर बची हुई डायनों को बच्चों से दूर कर देंगे। हाँ, और उनके हाथों से कालचित्र यंत्र भी छीन देंगे। अरे किशनार परी, आप यहाँ? परियो, हम आपको ये बताने आए हैं कि कालचित्र यंत्र के जादू जिससे बच्चे खरगोश बने उसका तोड़ सिर्फ और सिर्फ कालचित्र यंत्र है। विस्तार परी, आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही जल्द हम उन सारे डायनों से वो सारे कालचित्र यंत्र छीन लेंगे। लेकिन वो सब कालचित्र यंत्र की प्रतिरूप है बाल परी। विज्ञान परी ने हमें परीलोक में बताया है कि अगर हमें कालचित्र यंत्र का तोड़ बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ असली कालचित्र यंत्र चाहिए होगा। असली कालचित्र यंत्र? पर वो मिलेगा कहाँ? वो तो हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। विश्वास करिए, सबसे पहले आप अपना रूप बदल लीजिए। जी बालपति। बच्चों, अब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले।
मैं करण करण कर ये घर पर बाकी बाकी गुब्बारे क्यों नहीं छोड़ रही? लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस गई। तस्वीर के अंदर बालवीर और मेहर को सांस लेने में परेशानी हो रही होगी, पर मैं इन डाइनों के कारण हवा के गुब्बारे भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करण करण उठो करण। देखो भाइयों, वो इच्छाधारी नागिन है तो क्या हुआ, है तो आखिर नागिन ही ना। हाँ। तो एक काम कर, बीन बजा, वो नाचते नाचते आ जाएगी। हाँ। बजा बजा बजा। हाँ, बजा। महेश के बापूजी, अगर ये ऐसे बीन बजाएगा तो कहाँ से आएगी आपकी नागिन? अरे मेरी नागिन नहीं, सपेरी की नागिन। अरे भाई कहाँ है तेरी नागिन? कहाँ है साहब? वैसे वैसे नागिन नहीं है, जो थोड़े से बीन बजाने से आ जाएगी। अरे वो इच्छाधारी नागिन है। आपने बोला पहले भी, उसे बुलाने के लिए बीन कम से कम दो तीन घंटे बजाना पड़ेगा। चार पांच महीने बजाना पड़ेगा। चार पांच मिनट बजाने पड़ेगी। अच्छा मिनट है, मेरे से बीन चार पांच मिनट नहीं बजेगी। पिंकी कैसे आएगी? आएगी भाई, तेरी पिंकी आ जाएगी। चार पांच मिनट बजाना ना, मैं तो 10 मिनट बजा लूंगा। 10 मिनट तुम्हारी क्या उम्र हो गई है, तुम बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं बाबूजी, 4-5 मिनट ही बजाइएगा, 10 मिनट मत बजाइएगा। पता चला आपने 10 मिनट बजाया तो जैसे वो आस पड़ोस से चूहे आ गए थे ना, ऐसे बहुत सारी नाकने भी आ जाएंगी। बजाता हूँ मैं बाबूजी। बाबूजी आप 4-5 मिनट ही बजाइए। 4 मिनट ही बजाऊंगा। अब बजाओ। अरे बाबूजी, आपके घर पे हम गुब्बारे कैसे भूल गए? बाबूजी आप बड़ा हो गया हो, बूढ़े हो गए हो, आपको भी मेरी तरह दमे की बीमारी हो गई है। नाना नहीं, मुझसे अभी ये बीन नहीं बजेगी, अभी मैं नहीं बजा पाऊंगा, मुझे माफ करो। अरे नहीं बजाइए बाबूजी। अरे अरे सुनिए ना, आप बजाइए ना बीन। अगर वो नागिन ने किसी का भी रूप ले लिया और वो कॉलोनी में घुस गई तो मुसीबत हो जाएगी। अरे इतनी मुसीबत है उसमें और एक मुसीबत, लेकिन मैं बीन नहीं बजाऊंगा। 1 मिनट, अरे 4 मिनट बजाना है। बापूजी मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट रुकिए, एक जबरदस्त आइडिया आया मेरे दिमाग में। अंदर स्मिता ने एक सीढ़ी रखी है जिसमें बीन का म्यूजिक है, हम वो सीढ़ी बजाते हैं तो नागिन अपने आप सर के बल नाचती हुई बाहर निकल आएगी।
इन डायनों की वजह से मैं तस्वीर के अंदर हवा भी नहीं छोड़ पा रही हूँ। ऐसे में बालवीर और मेहर का बुरा हाल हो गया होगा। मुझे मुझे तुरंत कुछ करना होगा, वरना वरना देर हो जाएगी। क्या करूं? बस बहुत हो गया, अब मैं गुब्बारे छोड़ूंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। गंध कहां से आ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ काकनी मैम? यहां आसपास कोई जादुई शक्ति है, हमें पता लगाना होगा। रुको 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 रुको। रुको।